नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पूरे देश में जोश के साथ नए साल का स्वागत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी समेत राहुल गांधी ने देशवासियों को दी नए साल की बधाई। न्यूजीलैंड से लेकर न्यूयॉर्क तक जश्न ही जश्न। नए साल पर मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। वाराणसी में विशेष गंगा आरती देखने उमड़े लोग। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर, वैष्णो देवी में भक्तों की भारी भीड़। जम्मू कश्मीर के सीआरपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर पर आतंकी हमला। गोलीबारी में 5 जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर। पुलवामा में 3रे आतंकी की तलाश जारी। असम में रविवार देर रात बहुप्रक्षित एनआरसी का पहला ड्राफ्ट जारी। बांग्लादेश घुसपैठियों को निकालने की ओर कदम। असम में भारतीय नागरिकों की पहचान के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में नाम किया गया दर्ज। बीजेपी ने राज्यसभा में अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। 3 जनवरी को राज्यसभा में मौजूद रहने का निर्देश। सूत्रों के हवाले से खबर। बुधवार को राज्यसभा में पेश हो सकता है 3 तलाक बिल। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरे ने किया नए साल का स्वागत। 2018 के पहले दिन दिल्ली में तापमान 6 डिग्री किया गया दर्ज। 0 विजिबिलिटी के कारण 56 ट्रेनें लेट, 15 रद्द। नए साल के आगाज के साथ ही नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अमेरिका को दी धमकी। कहा, अमेरिका की पूरी जमीन हमारी परमाणु मिसाइलों की जद में। मेरी टेबल पर रहता है मिसाइल का बटन। और घरेलू बाजारों में सुस्ती के साथ 2018 की शुरुआत। निफ्टी 10,525 के पास, सेंसेक्स 34,000 के ऊपर कर रहा है कारोबार। ये थी अब तक की सुर्खियां। आप देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।